हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट का ब्लॉग मैंने यहीं पैन किया था, तो पैकिंग करने में बैठी हूँ। पहले तो सामान निकाला है, कुछ कुछ जो बच्चों के छोटे हो गए, ये सारे सामान, सारे कपड़े जो कि बच्चों के छोटे हो गए हैं, तो वो सब मैं डोनेशन बॉक्स में डाल दूँगी। बाकी इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं हम, तो इंडिया में ठंड पड़ गई है। मतलब उड़ीसा में ना बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है दिल्ली की तरह, बट एटलीस्ट बाहर जाओ तो स्वेटर की ज़रूरत पड़ती है, और घर के अंदर सुबह शाम पतला सा कुछ एक लेना पड़ता है। मतलब ऐसा कॉटन वाले उसमें नहीं पहन सकते। तो बच्चों के ना सब कुछ छोटे हो गया, अचानक से टचुर टचुर माता रानी के का उठाई, माता रानी कृपा से उनकी हाइट अच्छी बड़ी है, तो सारे कपड़े छोटे हो गए। बस ये एक ट्रैक सूट है जो कि लिया था मई जून के टाइम पे, ये उनको एक आ रहा है, एंड एक ब्लैक जैकेट है। बाकी और कुछ भी उनके पास विंटर गार्मेंट्स नहीं है। तो वही मैंने मैक्स से कुछ कुछ ऑर्डर किया था, एंड कुछ कुछ शीन से ऑर्डर किया था, वो सब डिलीवर हो गया है। प्लस शादी के लिए ना एक कुर्ता मैं दिल्ली से ही लेके आई थी, मैंने आपको दिखाया था लास्ट इंडिया शॉपिंग हॉल में, तो वो एक लेके आई थी। बाकी उनके लिए और कुछ भी कपड़े वगैरह नहीं लिए हैं, क्योंकि जो भी कुर्ते वगैरह है उसी को पहनेंगे। मतलब वो कुछ कुछ एक आध कुर्ते नए रखे हैं, एंड मोस्टली जीन्स, एंड उनका मैं ब्लेजर वगैरह जो है वही पहनाऊंगी, तो वो सब लेके जा रही हूँ। मेरे लिए भी मैंने बताया था, इस बार मैंने कुछ भी एक तो सोनू की शादी पोस्टपोन हो गई, मुन्नू और लिप्पू की शादी है, तो दो शादियां हैं, बट लिप्पू और मुन्नू की दोनों की शादी ना सेम डे पे है, तो बारात ऑब्वियसली हम लोग एक ही अटेंड करेंगे, तो हम मुन्नू की बारात अटेंड करेंगे। बट हल्दी दोनों का थोड़ा सा अलग अलग दिन में हो रहा है, तो हल्दी दो अटेंड करेंगे हम लोग, मेहंदी हम लोग एक ही अटेंड कर पाएंगे क्योंकि सेम टाइम पे हो रहा है, एंड रिसेप्शन दो अटेंड करेंगे, तो इसीलिए उसी हिसाब से कपड़े हैं। तो मेरे पास ना कुछ कुछ गाउन्स एंड लहंगे रखे हुए थे जो मैंने पहले लिए हुए थे बट अभी तक पहना नहीं, तो उसको मैं रिपीट करूंगी। बाकी सोच रही हूँ भाई के शादी का जो एक लहंगा है वो मैं रिपीट करूंगी, एंड एक ही बस कल मैं एक सूट लेके आई हूँ, क्योंकि दो दो हल्दी हो रहे हैं, तो एक ही सूट मैं एक लेके आई हूँ। सिंपल सा, सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं है, पार्टी वेयर टाइप के, बट मैं इसको बाद में पहन सकती हूँ, तो वो लेके आओ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। कल ही लेके आई हूँ बस, कल टिन्नी के घर जाने से पहले हम लोग गए थे मीना बाजार, कुछ काम था तो वहीं से लेके आया। उसको ना ओपन नहीं करूँगी पूरा, ये देखिए ये वाला, ये मतलब फ्रंट ऐसे पैच टाइप का है, फ्रंट ऐसे थोड़ा सा पिंक है, देन येलो है, देन थोड़ा सा ब्लू है, इस टाइप का है। पहनूंगी तो आपको अच्छे से पता चलेगा, एंड चुन्नी जो है उसकी येलो कलर, तो इसका दो कलर मिल रहा था बीच, मतलब ऐसे पिंक, मतलब उल्टा। चलो ओपन कर दिया, इस टाइप का है, मतलब बहुत ज़्यादा गॉर्जियस नहीं, ये देखो पीछे का येलो है, एंड बहुत ज्यादा सिंपल भी नहीं। उसका पैंट है, एंड ये उसका दुपट्टा, दुपट्टा येलो कलर का है, एंड नीचे का जो थोड़ा सा बॉर्डर है वो पिंक कलर का है। तो ये एक लिया है मैंने कल मीना बाजार से, तो इसको हल्का सा फिटिंग की जरूरत है, तो मैं वहां पे इंडिया में जाके करा लूंगी, या देखती हूँ कैसा क्या करना है। अच्छा लगा मुझे ये, ऐसे मल्टी कलर वाला आजकल चल रहा है। तो ये एक है, एक हल्दी के लिए हो गया, एक ये वाला गाउन, अगर आपको याद होगा मैंने सावित्री के टाइम पे दो गाउन खरीदे थे, एक रेड एंड एक येलो, तो रेड वाला मैंने दिवाली में पहन लिया था, एंड ये वाला गाउन रखा हुआ है ये ऐसे ही। तो ये मैंने सोचा था कि मैं सोनू के हल्दी में पहनूंगी, इसलिए इसको मैंने यूज नहीं किया था। तो ये वाला एक गाउन है, सिंपल, मतलब ऊपर का ऐसे यहाँ पे बस काम है, और नीचे से घेर टाइप का है, तो ये मैं पूरा ओपन नहीं करूँ। ये मैंने कल्याण सिल्क मीना बाजार से लिया था। एक हो गया ये, एक मेरे पास गाउन है, ओवर कोट गाउन, तो ये मैं प्रेस का कैनकन इतना हार्ड है ना, मतलब मैं सोच रही हूँ उसका कैनकन रिमूव कर दूँ कि क्या करूँ मैं समझ, मतलब सोच रही हूँ पहन लूँ आते टाइम उसको रिमूव करके लाऊँ। ये मतलब ऐसे, ये उसका स्कर्ट है, ऐसे घेर वाला स्कर्ट है, ये वाइट कलर का, सिंपल सा, इसमें और कुछ भी काम नहीं है, एंड उसका ओवरकोट है, ये है उसका ओवरकोट, ये ऐसे पूरा नीचे तक, ये उसका ओवरकोट है। तो ये मैं कहाँ पे पहनूं आप लोग कमेंट करना। एक तो मैं भाई के शादी का, क्या तुझे क्या देखना है,
तुझे क्या देखना है, आके सूंघ रही है। तो भाई के शादी का लहंगा मैं किसी के एक रिसेप्शन में रिपीट करूंगी, चाहे मुन्नू का रिसेप्शन हो चाहे लिप्पू के रिसेप्शन में हो। मेहंदी दोनों, सॉरी हल्दी दोनों का हो गया। मेहंदी के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं ले रही हूँ, मेरे पास एक ही मेहंदी कलर का एक सूट टाइप का रखा हुआ है, नया ही है, तो वही मैं सोच रही हूँ पहनूं। मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकंड, ये वाला। तो एक ही की मेहंदी हम लोग अटेंड कर पाएंगे, एंड मेहंदी में तो मेहंदी वगैरह लगा के मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल क्लोथ चाहिए, तो इसलिए मैंने कुछ ये वाला सिंपल सा, ये भी मतलब सिंपल सा गाउन टाइप का है, तो मैं इसी को ही वो पहन लूंगी। एंड तो एक मेहंदी दो हल्दी हो गए, एक रिसेप्शन में वो रिपीट करूंगी। बारात में एक ये लहंगा मैंने आपको दिखाया था, मैं आई थिंक एक साल पहले, हाँ एक साल लास्ट ईयर जब मैं इंडिया गई थी ना, मतलब उससे पहले मैंने लिया था ये, डेढ़ साल पहले करीब उसको लिया था। एंड लास्ट ईयर जब मैं इंडिया गई थी तब वहां से मैं सिलवा के लेके आई थी। ये एक लहंगा है, सिंपल सा लहंगा। ये लहंगा भी मैंने अमेजोन से ही ऑर्डर किया था, बहुत ही अच्छे प्राइस में मिलता है ये। ये उसका ब्लाउज है, सिंपल सा ब्लाउज है। ये उसका दुपट्टा है, एंड ये उसका लहंगा है ऐसा वाला। तो अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि इसको मैं बारात में पहनूं कि इसको मैं रिसेप्शन में पहनूं, मतलब एक जो रिसेप्शन में, एंड इसको किस में पहनूं, मतलब इन दोनों में मैं कंफ्यूज हूँ। तो देखती हूँ वहाँ पे जाके भाभी को पूछूंगी, भाभी जैसे जो बोलेंगे, जो वो डिसाइड करेंगे वो कर लूंगी। इसके में भी कैनकन लगा हुआ है, तो इसमें कैनकन है, ये वाइट में कैनकन है, एंड ये येल्लो वाला गाउन जो है उसमें कैनकन है। तो इसको थोड़ा सा मतलब वो जगह लेता है ना कैनकन अगर हो तो। एंड बच्चों के मैं आपको दिखा देती हूँ, बच्चों का वो जो कुर्ता है वो तो बाद में जब वो पहनेंगे तब आप देखना। एंड एक नाइट सूट लिया है, ये उसका मतलब ये मैंने उनका मोस्टली विंटर के लिए घर में पहनने के लिए एंड आजू बाजू जाने के लिए। उसका पैंट है, ये उसका टॉप है, टी शर्ट है, तो ये दो लिया। एक ये बहुत ही सॉफ्ट सा नाइट सूट मिला, बहुत ही अच्छा कपड़ा, मतलब थोड़ा सा वार्म भी रहेगा। एंड ये है ये उसका टी शर्ट, ये उसका पैंट। बाकी कुछ कुछ फुल स्लीव टी शर्ट्स लिए हैं, ऐसे ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब ये नॉर्मल सिंपल फुल स्लीव वाले हैं। ये एक श्वेट शर्ट है, ये एक ये लिया है, एक ये कार्गो पैंट लिया है, क्योंकि उनके पास जीन्स है, बट ये कलर के एक हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट कलर हो जाएगा। एक कार्गो पैंट लिया है, एक ये वाला श्वेट शर्ट है, ये वाला मिक्की वाला। तो बच्चों मतलब मैक्स से मैंने ये लिया था, एंड शीन से मैंने ये एक जैकेट ऑर्डर किया था उनका, ये वाला। एक ये सेट है, ये उसका जैकेट है, एंड ये उसका पैंट इस टाइप का। तो ये मतलब कॉट सेट टाइप का ये एक ऑर्डर किया था, एक ये आ गया है, मतलब दोनों का। और एक जैकेट ये है, मतलब ये भी वही सेट है, ये मतलब ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, एंड ये नॉर्मल सा ही है। एक ये जैकेट हो गया, एंड उसके नीचे का ये पैंट है। तो ये मतलब ये सेट है, ट्रैक सूट टाइप का है ये, तो ये सेट है। तो बच्चों के लिए यही ऑर्डर करते थे, बच्चों का सामान कितनी जल्दी जल्दी ख़त्म हो गया, लड़कियों का दिखाओ तो कितना टाइम लगता है। तो ये एक ऑर्डर किया था। एक और नाइट सूट मैंने शीन से ऑर्डर किया था उनका, ये वाला। ये मैं क्रिसमस में उनको पहनाऊंगी, इसलिए मतलब ऐसे क्रिसमस में वो बड़े हो गए, अब तो सांता वांटा का कपड़े नहीं पहनते, तो ऐसा क्रिसमस थीम के साथ में ये वाला मैंने नाइट सूट ऑर्डर कर लिया था, ताकि वो पहन लेंगे उस दिन। ये उसका टॉप है, एंड ये उसका पैंट है। ये भी मैंने शीन से ऑर्डर किया था, तो ये तो मैं लेके नहीं जाऊंगी, ये मैं यहीं पर रख दूंगी, वो आएंगे वापस तो क्रिसमस में ही पहनेंगे। तो बस यही है हमारी शादी की शॉपिंग। शॉपिंग तो कुछ नहीं, शॉपिंग बस एक ही है, मेरा वो सूट जो येलो वाला, बाकी हनी बनी के विंटर गारमेंट्स। तो चलिए अभी सारा मैं पैकिंग कर लेती हूँ, जो भी उनके छोटे कपड़े हो गए। शिवा अभी आएगा तो उसको बोलूँगी, नीचे डोनेशन बॉक्स में डाल देगा, बाकी का सारा जो है वो पैकिंग कर देती हूँ। देन फिर मिलती हूँ आपसे बाद में।
सो यहाँ पे हो गई है मेरी थोड़ी बहुत पैकिंग एंड सिम्बा के बैग पे बैठ गया है। जैसे ही बैग वगैरह निकलता है ना, उन लोगों को थोड़ा सा अंदाजा तो हो जाता है, वो हल्का सा उदास हो जाते हैं। एनीवेज फिर मैं नहा के आ गई थी एंड लास्ट वाले ब्लॉग में आपको मैंने दिखाया था कि ये अमेजोन से मैंने मूर्ति ऑर्डर की थी माता रानी की, जो थोड़ी सी छोटी साइज़ की, क्योंकि वहाँ पे ये बड़ी साइज़ की मूर्ति जो है वो आ नहीं रहते और मुझे एक ही लाइन में ऐसे रखना था, माता रानी ऐसे साइड में थे, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो सुनीता जब गई थी ना कोलकाता, तो उसके घर पे मैंने डिलीवर कर दिया था, तो वो लेके आ गई थी। एंड यहाँ पे दिवाली में मैंने जगन्नाथ जी के कपड़े वगैरह थोड़े से हेवी पहना दिए थे, तो अब मैंने चेंज कर दिया है, सिंपल नॉर्मल सा जो है वो पहना दिया है। एंड इस बार उड़ीसा जाऊँगी तो और दो जोड़े कपड़े ले आऊँगी ऐसे बीच बीच में चेंज करके पहनाने के लिए। एंड माता रानी की मूर्त भी मैंने वहाँ रख दी है, ये राम दरबार की मूर्त की साइज़ की है, तो साइड में अच्छे से आ भी गई। तो मंदिर अच्छे से क्लीन कर लिया एंड थर्सडे को ये कमल का फूल लेके आते हैं जीत, तो मंदिर से तो पूजा में यूज़ होता है लक्ष्मी माँ को चढ़ाने के लिए। एंड यहाँ पे पूरा मंदिर जो है अच्छे से डेकोरेट कर दिया है क्लीन वगैरह करके। एंड अभी मुझे लग रहा है ना कि मेरा मंदिर अभी कंप्लीट हो गया। दोनों साइड में मैंने जो छोटी छोटी मूर्त पहले की हमारी मूर्त सारी थी वो रख दी है, एंड जो नई सारी मूर्तियाँ हैं वो सब मैंने ऐसे रख दी है, तभी मंदिर का पूरा फाइनल लुक आप देख लीजिए। फिर आ गई थी मैं किचन में, तो थर्सडे वाला दिन तो दालमा बनाने का सोच रही थी, क्योंकि माणावसा गुरुवार चल रहा है बट हमारे यहाँ तो पूजा नहीं होती, तो बेसिक बस पूजा करके यहाँ पे मैंने सब्जी वगैरह काट लिए थे एंड जीरा का तड़का लगा के घी में, तो सब्जी वगैरह भुन के दाल डाल के इसमें मैं सीटी लगा दूँगी, देन इसमें फाइनल तड़का लगेगा। तो मोस्टली हफ्ते में एक दिन हमारे घर दालमा तो बन ही जाता है, मतलब ये तो हर उड़िया घर का होता ही है कि दालमा बनता ही बनता है, हफ्ते में एक बार दो बार बनता ही बनता है। तो यहाँ पे एंड बंद गोभी लेके आई थी तो उसकी सब्जी बना दूंगी। तो यहाँ पे जो अदरक है उसको ऐसे बारीक चॉप कर दिए थे एंड जीरा ऐड करके उसमें बारीक कटे हुए टमाटर जो है वो अच्छे से भून लिया। देन बस इसमें मैं बेसिक पाउडर मसाले ऐड कर दूंगी, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, बस यही डाल के मसाला मैंने रेडी कर दिया है। वैसे कैबेज बंद गोभी की सब्जी मुझे बहुत पसंद है इस टाइप का, जीत को इतना खास पसंद नहीं इसलिए ज़्यादा मैं बनाती नहीं हूँ, बट मुझे बहुत पसंद, मतलब चाहे पराठे के साथ में, मतलब चावल के साथ में, मतलब गर्मा गर्म चावल के साथ में ना, ये गर्मा गर्म बंद गोभी की सब्जी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। सब्जी तो क्या, मतलब भाजी टाइप का ही बनाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस ये गोभी ऐड करके इसको मिक्स कर दिया है एंड वहाँ पे हींग, जीरा एंड घी का तड़का लगा दिया है, तो वो मैं दालमा में ऐड कर दूंगी। एंड यहाँ पे बंद गोभी भी ऑलमोस्ट बन के रेडी है, तो जल्दी ही बन जाता है, तो साथ में मैंने वहाँ पे चावल भी चढ़ा दिया है। तो बस बंद गोभी में यहाँ पे भुना हुआ जीरा एंड लाल मिर्च का पाउडर, ये मैं हमेशा बना के रखती हूँ, तो वो ऐड कर दिया है। एंड दालमा के ऊपर भी ये ऐड होता है तो वो भी ऐड कर दिया है। तो ऑलमोस्ट हमारा खाना लंच बन के रेडी है, चावल, दालमा, ये बंद गोभी की सब्जी, साथ में सलाद बना लूँगी। तो बस ये बन के रेडी है, बट मैं अपने लिए ना, मुझे चावल खाने का मन नहीं कर रहा था, अपने लिए मैं बनाऊंगी डोसा। तो मैंने पहले भी बताया है, मैं बचपन में ना, मतलब शादी से पहले, बचपन तो क्या, शादी से पहले मैं ना रोटी बिल्कुल नहीं खाती थी, हमारे घर में हमेशा डोसा रहता, या तो मैं चावल खाऊं या मम्मी हमेशा डोसा का बैटर बना के रखती थी। तो डोसे का बैटर ना जैसे 4-5 दिन के बाद ना हल्का सा खट्टा हो जाता था, तो मम्मी उसमें ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक, प्याज एंड खूब सारा हरी मिर्च डाल के ना इस टाइप का मेरे लिए उत्तपम बनाती थी, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, बड़े बड़े साइज़ में प्याज काट दिया, थोड़ा सा उसमें आलू बना छोटे छोटे टुकड़ों में ऐड कर दिया एंड खूब सारा हरी मिर्च, मुझे इस टाइप का बहुत पसंद है। नॉर्मल उत्तपम जैसे बनता है ना, मतलब बैटर ऐड करके ऊपर से ऐड करना, उससे ज़्यादा मुझे ये पसंद है। तो थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल में मैंने जीरा का तड़का लगाया एंड ये ऊपर से ऐड कर दिया। ये वाला पीठा मेरा, मतलब बचपन से ही मेरा फेवरेट है, तो जब भी हमारे घर पर भी मोस्टली मैं हमेशा डोसा बैटर बना के रखती हूँ, क्योंकि हनी बनी को भी पसंद है। तो जैसे 2-3 दिन के बाद ये हल्का सा खट्टा हो जाता है, तो मेरे लिए मैं ऐसा
इस टाइप का उत्तपम बना देती हूँ। तो आज तो मेरा फेवरेट बना है, मतलब ये उत्तपम और साथ में गोभी, दोनों ही मेरे फेवरेट है। तो बस मैंने अपना एंजॉय किया लंच, देन मैं चली गई थी बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पेंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय गाइस।